Welcome students, welcome to my next video. Before I start the video, it's a sincere request. If you like the video, please do like it. If you have not subscribed it, please subscribe it. And also share it with those people who are not aware of this video. This is the fourth lesson which I am going to discuss with you, and I'll be discussing the objectives, and the rest of the question answers you can click to the link so that you may get your answers in detail. Now, my dear students, the first question is, dash is the main demand of the farmers' movement. Now, farmers, what are they fighting for? Simple. They will conduct a movement. They will go against the government. They will come on the road only to fetch a right price for agricultural product. The answer will be to get the right price for the agricultural product is the main demand of the farmers' movement. Next, to increase agricultural production and to become self-sufficient with regard to food, grains, Green Revolution was initiated. So these are the two fill in the blanks, which according to me it's very, very important. We can, you know, bank on. Now, the next is explain the following statement by giving reasons. Movements are important in democracy. I would also speak in Hindi so that people would understand. Movements. Hum log andolan karte hain. Andolan. Ye ek democracy ka bhag hai. Ye jo statement diya gaya hai, wo bilkul sahi hai, galat nahi hai. आंदोलन करते करना ये हर एक जन का हक है. जो अगर हक नहीं मिल रहा है तो हमें आंदोलन करना जरूरी है. तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ट्रू. पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू सॉल्व सोशल इश्यू. हमारे बीच में अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है तो हम आंदोलन करते हैं. लीडर्स एंड द एक्टिविस्ट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज इश्यूज टू द गवर्नमेंट. और जब आंदोलन करते हैं तो सरकार के सामने जो भी हमारा प्रश्न है वो उनके सामने हम लाते हैं. विद इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट the government then has to pay attention. जब आंदोलन होता है सरकार के नजर में आता है, वे लोग उस प्रश्न पर ध्यान देते हैं. The government make policies based on this movement. और जो भी जो पॉलिसी बनाता है, जब आंदोलन होता है उसी हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है. हेंस मूवमेंट्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी. बिना कोई आंदोलन किए हमें सरकार से कोई हक नहीं मिलेगा.
अगला क्वेश्चन है जो मूवमेंट डू नॉट नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. अगर हमें आंदोलन करना है तो हमें लीडर, एक निडर पुढ़ारी चाहिए जो किसी से डरे नहीं, और वो अच्छा एक लीडरशिप चाहिए. लेकिन यहां पे बोला गया है कि आंदोलन करने के लिए आपको लीडर की जरूरत नहीं है, जो गलत स्टेटमेंट है. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. द सक्सेस ऑफ एनी मूवमेंट डिपेंड्स ऑन लीडरशिप. अगर एक आंदोलन को एक अच्छा रूप देना है तो एक लीडर जरूरी है. एंड द मूवमेंट रिमेन्स एक्टिव बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग लीडर. जैसे अभी देखिए, एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेघा पाटकर, उन्होंने एक आंदोलन किया. उन्होंने जब भी अपनी आवाज उठाई, सरकार को उन्हें देखना पड़ा. द डिसीशंस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजीज हैव टू डिसाइडेड बाय द लीडर्स. अगर एक आंदोलन करना है तो एक स्ट्रेटजी बनानी है, वो सब लीडर ही बनाता है. फर्म लीडर्स हैव वाइड रीच, दे कैन हैव पब्लिक सपोर्ट, मेकिंग द मूवमेंट वेरी इफेक्टिव. अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है वो ही क्या कर सकता है, आंदोलन का एक सही रूपरेखा बनाकर आंदोलन को सही मार्ग पर ले जाएगा. तो अगर एक आंदोलन करना है तो हमें लीडर जरूरी है. पॉलिटिकल पार्टीज कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर इश्यू. द आंसर इज फॉल्स. पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल. यू नो, पॉलिटिकल पार्टीज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल. दे हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन पब्लिक क्लीनलीनेस, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स. पोलिटिकल पार्टीज हैव प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यूथ्स, सीनियर्स, सिटीजन्स, businessmen, women and laborers. This means that the political parties cannot concentrate on one particular issue. They have to be dynamic and they have the issues. They can't concentrate on one particular issue, but they have to concentrate on whatever the issues come to their way. So, my dear students, let me tell you now for further, if you require detailed answers, give reasons, you may click to the link which is given at the bottom. You will find the detailed notes. So before I end this video, again, a sincere request. If you like the video, please do like it. If you have not subscribed it, subscribe it. And also share the link with others, those who are not aware of this video or this channel. Thank you, and I wish you all the best for your examination.